Hello everyone, I'm Manmohini Bhatia, your English trainer. Today, we are going to learn how to tell time in English. If anybody asks you, what is the time? अगर एक बजे है तो तुसी कहोगे, it's 1 o'clock. अगर चार बजे हन, ता it's 4 o'clock. अगर दस बजे हन, ता तुहाडा जवाब होएगा, it's 10 o'clock. It's very easy to say all these things in English. But difficult उस वक्त तुहानू लगता है, problem तुहानू उस वेले आंदी है, जदों तुहानू दसना होवे कि एने वज के एने मिनट होए हन, जां एने वजन विच एने मिनट रहिंदे हन. You find it difficult to tell time in this way. But it's not that much difficult. बहुत ही आसानी नाल तुसी इस time नू दस सकदे हो. There is a formula for telling time here. It is minutes past hour. Minutes past hour. So, अगर 5:10 होए हन, जा 7:20 होए हन, या 8:80 होए हन, तो असी उसनों English विच किस तरह इस formula दी help ना कवांगे. So, it is minutes पहला, 10. किने minutes होए हन? 10. Past और hour किने होए हन? 5. So, it is 10 past 5. और अगर 7:20 है, 20 past 7. अगर 8:25 है तो इट इज 25 past 8. लेट्स लर्न नेक्स्ट फॉर्मूला. अगर तुसी दसना होवे कि एने वजन विच एने मिनट रहिंदे हन तो उसनू इंग्लिश विच किस तरह कहोगे. फॉर्मूला नंबर 2 है minutes to hour. मिनट्स टू आवर. अगर असी दसना होवे कि 6:10 रहिंदे हन तां उसनू इंग्लिश विच किस तरह कहांगे. 10 to 6. सो अगर इसे तरह अगर 2:20 रहिंदे हन तां 20 to 2. सो इट इज 20 to 2 या इट इज 10 to 6. सो आई होप यू हैव लर्न्ड हाउ टू से दीज इन इंग्लिश. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट ऑडियो. थैंक यू.